बॉलर आते हुए, गोल के लिए बॉलर आते हुए और स्टेप आउट किया और मे बी 1-1 का टारगेट है। और ये सेकंड इनिंग्स है, सेकंड ईयर में फील्ड चेक होते हुए कि कितने प्लेयर्स बाहर हैं, उसके बाद मैच स्टार्ट होगा। टारगेट इतना ज़्यादा नहीं है 10 ओवरों के हिसाब से। पिच पे बॉल भी बहुत अच्छी आ रही है बैट पे, और ये फर्स्ट बॉल बॉलर आते हुए और ये पहली बॉल पे ही बहुत ही अच्छी शॉट और 4 रन्स। नेक्स्ट बॉल और ये बैट का बॉटम लगा है, फील्डर गैस करेंगे और ये मिस फील्ड, फील्डर बॉल से आगे आ गए और यहाँ पे बाउंड्री हो चुकी। बॉलर थर्ड बॉल के लिए आते हुए और ये बीट। नेक्स्ट बॉल और ये वाइड होगी, मेरे ख्याल से वाइड होगी। नेक्स्ट बॉल के लिए बॉलर आते हुए, काफी तेज डिलीवरी कराई है लेग साइड पे लेकिन वाइड होगी। रन भागते हुए रन आउट हो सकता है लेकिन बहुत गंदी थ्रो की वजह से ओवर थ्रो किया और बैट्समैन सेकंड रन भाग रहे हैं। फील्डर की तरफ से अच्छा बैकअप और बॉल आ चुकी, 2 रन हो चुके वाइड पे, 3 रन्स। नेक्स्ट बॉल वाइड होती हुई, नेक्स्ट बॉल आते हुए और ये बोल्ड होते होते बच गए। स्कोर काउंट किया जा रहा है, मेरे ख्याल से 14 स्कोर हो गया। नेक्स्ट बॉल के लिए बॉलर आते हुए और बहुत ही अच्छी शॉट और ये मेरे ख्याल से आउट ऑफ द ग्राउंड, 6 भाई। बॉलर के लिए थोड़ा सा फ्रेम सेट किया है। नेक्स्ट बॉल और ये मिड ऑन की तरफ से बहुत ही अच्छी शॉट और ये तो कंफर्म 6। बॉल बहुत ही दूर जाके गिरी है, गुड शॉट यार, गुड शॉट। इन बॉलर का नाम बॉल है और ये बहुत जाने माने बॉलर है, बताया जा रहा है वक्त पे अच्छी क्रिकेट खेलते थे, लेट्स सी अब भी वो जुनून है कि नहीं है। फर्स्ट बॉल कराते हुए और बहुत ही अच्छी बॉल, कैमरे की जानी बॉल आ रही है और ये बहुत अच्छी फील्डिंग छोटे भाई की तरफ से। फील्डर की वजह से नो बॉल के बारे में बात होते हुए, नो बॉल हो गई है क्योंकि फील्डर ज्यादा बाहर हो गए थे तो बॉल काउंट नहीं आई। तो फर्स्ट लीगल डिलीवरी के लिए बॉलर दोबारा आएंगे, फर्स्ट लीगल डिलीवरी के लिए बॉलर आते हुए और सेकंड लीगल डिलीवरी और बहुत ही अच्छी बॉल। बॉलर अपना एक्सपीरियंस यूज करते हुए और बहुत ही अच्छी बॉल नेक्स्ट डिलीवरी कराते हुए, ये रन अप स्टार्ट, अंपायर के आगे गए, बॉल डिलीवर और होल्ड होने में इंचेस का गैप था बस, बहुत अच्छा ओवर हुआ अभी था। और ये बहुत ही अच्छी मिड ऑन की तरफ शॉट और ये छक्का। नेक्स्ट बॉलर अपनी बॉलिंग का फर्स्ट ओवर कराने के लिए आए, रन अप लिया फर्स्ट बॉल और ये बहुत ही अच्छा लेग साइड की तरफ से शॉट। नेक्स्ट बॉल के लिए बॉलर आते हुए, फर्स्ट बॉल पे 6 पड़ा था और ये बहुत अच्छी बॉल और ये छोटे भाई से मिस फील्ड होगी लेकिन पैर है। साइड चेंज के साथ थर्ड ओवर थर्ड बॉल कराइए। बॉलर काफी अच्छी बॉलिंग कराते हुए, क्या नान भाई इसकी आखिरी 3 बॉलों पे कैपिटलाइज कर सकेंगे, यानी लेट्स सी। चौथा बॉल कराते हुए और बहुत अच्छा स्लो बॉल, बैट्समैन रिसीव हुए हैं, लेट्स सी फील्डर कैच कर सकते हैं कि नहीं, और कैच ड्रॉप। और इसी सूरत हाल में ये एक बड़ा टाइट डबल रन था क्योंकि बॉलर रेडी फॉर द नेक्स्ट बॉल, नान भाई फेसिंग, लेट्स सी इस पे क्या होता है, क्या नान भाई इस पे बाउंड्री लेते हैं। और अच्छा शॉट लेकिन फील्डर की मौजूदगी की वजह से सिर्फ सिंगल हो सकेगा। इन्फॉर्म होते हुए कि लास्ट बॉल है, बॉलर आते हुए और ये बॉल कराई और बहुत शानदार शॉट, बहुत अच्छा रीड किया है
और यॉर्कर को फुल टॉस बना के ग्राउंड से बाहर। कमाल, ऐसे तो जो पोजीशन है हमें चेस करना चाहिए। फर्स्ट बॉल फोर्थ ओवर और बड़ा ही अच्छा बॉल रिसीव किया। लेट्स सी अदनान भाई अभी तक प्रॉपरली बॉल को खेल नहीं सके, जज नहीं कर सके। सेकंड बॉल और आगे बढ़ के मारने की कोशिश की बट बिल्कुल टाइम ना कर सके। थर्ड बॉल कराने के लिए आ रहे हैं बॉलर और वाइट बॉल। थर्ड बॉल री बॉल करानी पड़ेगी और री बॉल कराने आ रहे हैं। लेट्स सी, और बड़ा ही अच्छा बॉल और एक अच्छी ट्राई की बाय द कीपर लेकिन कैच ड्रॉप। सी के ये एक नए चांस को कैपिटलाइज करते हैं और किया, क्या बात है, बहुत ही अच्छा। वेल, देखते हैं बॉलर लास्ट बॉल पे कम बैक कर सकते हैं, क्या बॉल सेव कर सकते हैं या इस पे भी बाउंड्री आएगी। लास्ट बॉल और वाइड बॉल, तो लास्ट बॉल री बॉल करते हुए बॉलर, लेट्स सी इस पे क्या होता है। और एक और वाइड, अगर इसके बाद बाउंड्री लग गई तो दैट विल बी वेरी बैड फॉर द बॉलर। और बाउंड्री वाला बॉल था, लेट्स सी हुई है कि नहीं हुई, लेकिन बाउंड्री लाइन पार हो चुकी है। वेरी वेल प्लेड, काफ़ी लंबा ओवर होते हुए और काफ़ी स्कोर देते हुए बॉलर लास्ट बॉल करते हुए। और एक और बहुत ज़बरदस्त हिट और फील्डर की गैप के दरमियान से गुजरते हुए चार रन। और एक्सपीरियंस बॉलर रिटर्न होते हुए और 70 स्कोर हो चुके हैं। कोला भाई वापस आते हुए, फील्ड की लिमिट है, 5 फील्डर्स आउट ऑफ द सर्कल आ सकते हैं और 6 फील्डर विद इन द सर्कल रहेंगे, तो इसलिए हर बॉल पे जो है लेफ्टी राइटी की कॉम्बिनेशन में से फील्ड सेट करनी पड़ती है। कोला भाई पहली बॉल करवाते हुए, नो बॉल, अंपायर की कॉल है नो बॉल की। और ये सर्कल की नो बॉल देते हुए रन लो। और ये ओवर थ्रो का भी एक और सिंगल हो गया और इस एक बॉल पे 3 स्कोर आया। नो बॉल पे बैस होते हुए, नो बॉल है हार्ड का होता है, हार्ड का साइड है, हार्ड का। नो बॉल दी गई है एम्पायर की जानिब से बैस के बाद। 4 स्कोर हो चुका है विदाउट बॉल। फर्स्ट लीगल डेरबी के लिए आएंगे पुला भाई अब दोबारा से। नो बॉल का ही डिसीजन, अंपायर डिसीजन इज द लास्ट डिसीजन। नेक्स्ट बॉल के लिए बॉलर आते हुए फर्स्ट लीगल डिलीवरी जो की होगी क्योंकि नो बॉल होगी। 4 रन इन 1 बॉल और बहुत ही अच्छा शॉट और फ्री हिट पे आउट हुए थे तो बचत हो गई है। एक बॉल पे 5 स्कोर हो चुके। सेकंड बॉल स्टेप आउट करके मारने की कोशिश की लेकिन बस सिंगल ही ले पाए। नेक्स्ट बॉल के लिए बॉलर आते हुए अंपायर को पास किया, डिलीवर की और वाइड बॉल होगी। पांचवा, नेक्स्ट बॉल के लिए बॉलर आते हुए फिर से अंपायर को पास किया, बहुत ही अच्छी बॉल, बोल्ड होते थे बच के और मे बी ये 4 हो क्योंकि बॉल बहुत अच्छी जगह पे प्लेस होगी और यस बाउंड्री क्रॉस हो चुकी है। 4 रन। नेक्स्ट बॉल के लिए बॉलर आते हुए बॉल थोड़ी सी नीचे बैठी, फील्डर के हाथ से निकल चुकी है और ये बहुत अच्छा क्विक सिंगल। दोबारा बॉलर बॉलिंग के लिए आते हुए और ये बिल्कुल स्ट्रेट पे शॉट मारी है और फील्डर ने कैच ड्रॉप कर दिया जिसकी वजह से सिंगल बनेगा। ओवर हो चुका। नेक्स्ट ओवर के लिए यंगस्टर बॉलिंग करा देंगे, फर्स्ट बॉल के लिए आएंगे। बड़ा प्यारा एक्शन है, अभी एक बहुत बड़ा प्रेशर है। फर्स्ट लीगल डिलीवरी के लिए आते हो और बहुत ही अच्छी बॉल कराई है, कैच हो सकता था लेकिन फील्डर स्लो थे इसकी वजह से डबल भागा जा रहा है। अस्नान भाई स्लो आते हुए क्योंकि बॉल बहुत दूर चली गई आउटफील्ड में। बिल्कुल थर्ड बॉल के लिए बॉलर अंपायर के पीछे से आते हुए अंपायर को पास किया बॉल और बहुत ही अच्छी बॉल, अभी तक के बॉलर में सबसे अच्छी लाइन एंड लेंथ इसकी है लेकिन मिस फील्डिंग की वजह से ओवर में स्कोर हो ही जा रहा है। यंगस्टर का प्रेशर लेते हुए उनसे बॉल टाइम नहीं हो रही। नेक्स्ट बॉल
स्टेप आउट किया और मे बी आउट हो गया। नेक्स्ट बैट्समैन क्रीज पे आते हुए बहुत बड़ी पार्टनरशिप टूटी है और मैच ऑलमोस्ट उन्होंने ख़त्म कर दिया हुआ है। कैप्टन आउट हो गए एक टीम के। हमजा भाई क्रीज पे आते हुए राइट हैंडेड बैट्समैन है, अब दोनों साइड पे राइट ही खेल रहे हैं तो इनिंग्स कम डिले होगी। नेक्स्ट बॉल के लिए एम्पायर के पीछे से आते हुए एम्पायर को पास किया और बहुत ही अच्छी डिलीवरी, बैट्समैन बीट हुए और मिस कम्युनिकेशन की वजह से आउट हो सकता था लेकिन बैट्समैन ने मना कर दिया। सबसे बेस्ट ओवर अभी तक यंगस्टर ने ही गिराया। नेक्स्ट बॉल और दोबारा से बीट होते हुए लाइन एंड लेंथ बहुत अच्छी है, इसकी वजह से बैट्समैन टच भी नहीं कर पा रहे, टाइम करना दूर की बात। और ये बैट्समैन इनिंग के स्टार्ट से खेल रहे हैं, देखते हैं क्या इन्होंने अभी तक हार एक एक बॉलर को बाउंड्री मारी, देखते हैं क्या ये इसको बाउंड्री मार पाते हैं। अभी तक मेरे ख्याल से ओवर में कोई बाउंड्री नहीं। नेक्स्ट बॉल फुल टॉस एज्ड, लेकिन एज का चौका हो चुका है। बॉलर आते हुए अंपायर के पीछे से अंपायर को पास कर बहुत अच्छे एक्शन के साथ ये बैट्समैन जब से क्रीज पे आए हैं बीट ही हो रहे हैं। अभी तक स्लिप लगाई गई है और ये हाथ में फील्ड थी लेकिन मिस फील्ड की वजह से चौका। बॉलर नेक्स्ट बॉल के लिए रेडी होते हुए अपना रन अप स्टार्ट किया, बॉल आई फुल टॉस थी लेकिन गुजर भाई अपनी हाइट और एज के हिसाब से बहुत अच्छी बॉलिंग करा रही। नेक्स्ट बॉल खिलाते हुए और काफी क्लीन एक्शन के साथ बॉल कराते हुए और वे फिर फुल टॉस। बहुत ही अच्छी बॉल लेकिन बैठ गई और काफी अच्छा ओवर कराया गुजर ने। खत्म हो गया मैच, पहले पॉज थे हम इस